भगवान श्री कृष्ण की नगरी द्वारिका के इतिहास में शायद यह पहला मौका है जब द्वारिकाधीश मंदिर के दरवाजे आधी रात को खोले गए। जी हाँ, कल रात यहाँ कुछ ऐसा ही हुआ। मंदिर के पट किसी वीआईपी के लिए नहीं बल्कि 25 गायों के लिए खोले गए। ये गायें अपने मालिक के साथ 450 किलोमीटर की पैदल यात्रा कर कक्ष से द्वारिका पहुंची थी। दरअसल कक्ष में रहने वाले महादेव देसाई की गौशाला की 25 गायें करीब 2 महीने पहले लंपी वायरस से ग्रस्त हो गई थी। इस दौरान पूरे सौराष्ट्र में लंपी वायरस से गायों के मरने का सिलसिला जारी था। इसी बीच महादेव ने भगवान द्वारिकाधीश से मन्नत मांगी थी कि अगर उनकी गायें ठीक हो गई तो वे इन गायों के साथ आपके दर्शन करने जाएंगे। मंदिर प्रशासन के लिए सबसे बड़ी समस्या गायों की मंदिर में एंट्री को लेकर ही थी, क्योंकि यहाँ दिन भर हजारों भक्तों की भीड़ रहती है। ऐसे में गायों के पहुँचने से मंदिर की व्यवस्था बिगड़ सकती है, इसलिए तय किया गया कि मंदिर आधी रात को खोला जाए। ऐसा भी सोचा गया कि भगवान श्री कृष्ण तो गायों के ही भक्त थे तो वे रात में ही इन्हें दर्शन दे सकते हैं। इस तरह रात के 12 बजे के बाद मंदिर के दरवाजे खोले गए। द्वारिका पहुंचकर गायों ने सबसे पहले भगवान द्वारिकाधीश के दर्शन करने के बाद मंदिर की परिक्रमा भी की। इस समय भी मंदिर परिसर में कई लोग गायों के स्वागत के लिए मौजूद थे। मंदिर के पुजारियों ने भगवान के प्रसाद के अलावा इनके लिए चारे और पानी की भी व्यवस्था की थी। महादेव बताते हैं, भगवान द्वारिकाधीश पर सब कुछ छोड़कर मैं गायों के इलाज में लग गया। कुछ दिन बाद ही गाय ठीक होने लगी। करीब 20 दिन बाद सभी 25 गायें पूरी तरह स्वस्थ हो गईं। इतना ही नहीं, गौशाला की दूसरी गायों में भी लंपी वायरस का संक्रमण नहीं फैला। इनकी पूरी तरह स्वस्थ हो जाने के बाद मैं इन्हें लेकर पैदल ही कक्ष से द्वारिका के लिए रवाना हो गया। ब्यूरो रिपोर्टिंग, टॉप स्टोरी न्यूज़।